नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का सौदाघर के आज के इस नए वीडियो में। साथियों, आप लोगों में से काफ़ी लोगों का ये रिक्वेस्ट आया कि केशव नगर का पूरा डिटेल वीडियो लाया जाए, पर उस डिटेल वीडियो को देखने से पहले आप लोगों को ये समझना जरूरी है आखिर ये हो क्या रहा है। मेरे पास कई फुटेज लगभग मैं देख रहा हूँ हफ्ते भर से आ रहे हैं। हमारी एक व्यूअर हैं, उन्होंने भेजा कि लगातार वो बता रहे हैं कि केशव नगर में ऐसी समस्या है कि सुबह उठिए तो लगता है ओस पड़ रही है, कुहासा है, ड्यू है, यानी कि बाहर दिख नहीं रहा है, लेकिन जैसे ही आप विंडो ओपन करते हैं पता चलता है कुछ तो जल रहा है क्योंकि धुआं पूरा भरा हुआ है। और ये एक दिन नहीं, लगातार कई दिनों से ये प्रक्रिया चालू है। तो आखिर हमने सोचा क्यों ना वहां तक हम चल के अब सौदागर के कैमरे को भी वहां पहुंचा देते हैं, देखते हैं आखिर क्या है, कहां से आ रहा है ये धुआं। तो देखने के बाद जो हमें दिखा वो सच में कहीं ना कहीं एक तरीके से भयावह है। मैं भयावह शब्द इसलिए प्रयोग कर रहा हूँ क्योंकि रिहायशी इलाके में अगर इस तरीके से धुआं उठता हुआ दिखेगा तो वो किसी को भी परेशान कर सकता है, और अगर ये चीज़ लगातार चलती रहे तो और भी ज़्यादा समस्या है। आप देखें, सौदागर के वीडियोज़ में हमने आपको वाघोली के कई वीडियोज़ दिखाए जहाँ पर रोड के किनारे कई बार कूड़ा जलता दिखा है आपको। हमने खराड़ी में भी जो ये समस्या थी वो भी हमने आपको दिखाई, पर केशव नगर में जो लगातार कई व्यूअर्स का इस तरीके से व्हाट्सएप आना बताना, ये कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा समस्या का विषय है। अभी भी आप देख पा रहे होंगे आखिर ये हो क्या रहा है। अपलोडेड एज रिकॉर्डेड में जैसा हम लोगों ने दिखाया भी है कि वहाँ पे एक दो जो है आपके गार्बेज सेग्रीगेशन प्लांट भी लगे हैं, 100 टन का है, दूसरा 50 टन का है, जहाँ पे गार्बेज को कट किया जाता है। आखिर जब ये सब चीज़ें हैं तो फिर गार्बेज को जलाने की ज़रूरत क्यों पड़ रही है। कहीं ना कहीं ये चीज़ जो है ख़त्म होनी चाहिए, और इसमें आप लोगों को भी ये चीज़ ध्यान देना होगा कि इसे आप एक्सकलेट करिए। क्या ये जो एक तरीके से एक प्रोसेस होता है गार्बेज को ख़त्म करने का, एक आपका जैसे है इंसिनरेशन। इंसिनरेशन यानी कि जब कोई ऐसा गार्बेज जो नुकसान कर सकता है एनवायरनमेंट में या कोई उससे वायरस रिप्लिकेट हो सकते हैं, उसको जलाना ही उचित समझा जाता है, और इस प्रोसेस को इंसिनरेशन बोलते हैं। लेकिन आज की डेट में जो पुणे में आपको चारों तरफ दिखता है वो इंसिनरेशन ही चालू है, यानी कि हर तरह के कूड़े को जला दिया जा रहा है। कई बार आप देखते होंगे इसे डंप करने के लिए या तो पहाड़ बना दिया जाता है या तो जमीन के नीचे 10-10, 20-20 फीट में इसको गाड़ दिया जाता है, लेयर दर लेयर, यानी कि परत दर परत। अब उसमें होता क्या है, बारिश होगी, पानी आएगा, और उससे जो पानी छन के आपके ग्राउंड वाटर को जो रिचार्ज करता है वो पानी कैसा होगा। ये जो कूड़ों से छन के पानी जाता है उसको लीचेट बोलते हैं। लीचेट यानी कि वो पूरा जो गंदा पानी है वो छन के उसकी जो गंदगी है जब ग्राउंड वाटर में जाएगी उसको आप ट्रीट भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि काफ़ी हद तक वो ऐसे इतने माइन्यूट पार्टिकल होते हैं जो ऑलरेडी मिट्टी से छनते हुए गए हैं। आप कौन सा ऐसा एक्स्ट्रा लेवल किस चीज़ को आप छानेंगे, और वो कितना भयावह होगा, कितना कैंसरस होगा, कितनी बीमारियों को वो जन्म देगा। तो कहीं ना कहीं इस पर जो प्रॉपर प्रोसेस होना चाहिए गार्बेज को डंप करना है या फिर उसको किस तरीके से ट्रीट करना है, आखिर अगर प्लांट लगे हैं तो उनको जलाया क्यों जा रहा है, ये लीगल है कि इलीगल है हमें नहीं पता। वैसे दिखने में तो इलीगल लग रहा है, पर हो सकता है कि इसका एक प्रोसेस हो, जैसे हमने आपको इंसिनरेशन बोला। पर रिहायशी इलाके में इस तरीके का होना कहीं ना कहीं आप सबके लिए चिंताजनक है, और ये जो पूरा फुटेज आप देख पा रहे हैं ये सिर्फ यहीं की कहानी नहीं है, पुणे के अलग अलग हिस्सों से ये चीज़ लगातार आ रही है। और हाँ, पीएमसी क्या करती है, पीएमसी मैक्सिमम जो प्लांट हैं, जो इस सेग्रीगेशन बता रहा हूँ, कलेक्शन बता रहा हूँ, इसको पीएमसी ने आउटसोर्स किया हुआ है। तो पीएमसी का भी काम बनता है कि वो ऑब्जर्व करें टाइम टू टाइम, और हमारा भी एक कर्तव्य है कि हर एक इंसान जो भी जिस इलाके में रह रहे हैं ऐसी समस्याओं को एक्सकलेट करें, लोगों तक पहुंचाएं, जिससे ये चीज़ें रिहायशी इलाकों में कम से कम ना हो सकें, क्योंकि जिस तरीके से कोविड की समस्याएं हम सभी लोग झेल रहे हैं अपने चारों तरफ, ये कहीं ना कहीं ऐसा ना हो कि एक नई समस्या पैदा कर दे, क्योंकि ये भी सांस से जुड़ी समस्या है, इससे भी सांस से जुड़ी समस्या बढ़ सकती है। तो आप लोग पहले इसे समझ लें, और इसे मैं आप सभी से अनुरोध करूंगा इसे एक्सकलेट करिए, और आपके इलाकों में कहीं से भी अगर ऐसी कोई खबर आ रही है तो हम तक शेयर करें, और जो भी अथॉरिटीज़ हैं, पुलिस है, पुलिस डिपार्टमेंट है, पीएमसी है, पीसीएमसी है, उन्हें ज़रूर इत्तला करें,
जिससे इसमें कमी आ सके और इसका जो सुनियोजन है, जो सही तरीके से इसका किया जाना, उस पर जो है ज़्यादा ध्यान दिया जाना चाहिए। तो आज का वीडियो जो आप लोगों ने एक लोकेशन रिव्यू मांगा, उसमें जो सबसे बड़ी समस्या है वो आप लोगों के सामने लाने की हमने कोशिश की है। यदि आपको सौदागर का प्रयास पसंद आ रहा है तो आप लाइक शेयर करने के साथ साथ सब्सक्राइब कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस चीज़ के लिए आप प्रेरित करिए कि ऐसी समस्याओं को लोगों के सामने लाएँ, पब्लिक डोमेन में लाएँ, जिससे इस पर कुछ प्रभावी कदम उठाए जा सकें। जल्द मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।